आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जयमदान। आप जानते ही हैं कि आपकी लिखी हुई मेल्स के हिसाब से हम डेली अलग अलग चीजों पर बात करते हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं रोज आपके सामने कुछ ना कुछ नया ला सकूं और सरल हो ताकि आप उसको अपनी जिंदगी में अपना सकें। इसी सरलता की उम्मीद के साथ शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइंस के साथ। पैसा और संतान दिलाने वाले, हर रुके काम को बनाने वाले तीन महा उपाय। घर में कहां, कैसे और किधर रखना चाहिए कैश और तिजोरी ताकि आपके यहाँ पैसे की हो बढ़ोतरी। खून बंद में भी आप जान ले सामने वाले का राज क्या है, ये ट्रिक सिखाने वाली। राशि के हिसाब से जानिए कि कल का लकी टाइम क्या है और कल के दिन को बेटर बनाने वाली लकी टिप कौन सी है। आज पहली बार आपके सामने लाएंगे कि अमरूद के छिलके और नीम के पत्तों से जुड़ी ब्यूटी टिप। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में अमरूद है, लेकिन ये खाने के लिए नहीं है, आपको खूबसूरत बनाने के लिए है। कैसे बनाएंगे थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले दो महा उपाय जानते हैं और आखिरी महा उपाय आपको शो के लास्ट में देंगे। पहले महा उपाय जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है धन प्राप्ति यानी कि फाइनेंशियल गेन्स के लिए। आपको गुलाब के फूल में कपूर का टुकड़ा रखना है, शाम को कपूर को जला देना है, गुलाब की राख से आपको लक्ष्मी माँ के पैरों पर वो गुलाब की राख लगानी है। आपको अगर ऐसा रोज करेंगे तो आपको जल्दी ही फाइनेंशियल गेन्स होंगे। अब जानते हैं दूसरा महा उपाय जो कि है संतान प्राप्ति के लिए। पीपल का एक पत्ता रोज एक घड़े पानी में रखें, एक घंटा पानी में एक घड़े के अंदर रखें। एक घंटे के बाद उस पत्ते को पानी से निकालकर किसी भी पेड़ के नीचे रख दीजिए। पति पत्नी उस जल को पी लें। ऐसा रोज करने से दो या तीन महीने के अंदर अंदर आपका ऐसा योग खुलेगा कि आपको जल्दी ही संतान की प्राप्ति होगी। और अगर आप इसको तांबे के लोटे में करते हैं तो इसके रिजल्ट और ज्यादा अच्छे होंगे। अपने घर में पैसा कहाँ रखते हैं? आपका सेफ अलमारी में है या आपके पलंग के नीचे? आपका सेफ बच्चों के कमरे में है या फिर पूजा घर में? ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे और इसका रिजल्ट क्या है ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले बात करते हैं अमरूद की और नीम की। अमरूद कितने काम की चीज है, इसके छिलके का आप क्या करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस्तेमाल करें। अमरूद के छिलके को दूध के साथ मैश कर लें और उसका पेस्ट बना लें। 15 मिनट तक इसको चेहरे पर लगाएं और उसके बाद आप इसको धो दें। इससे आपकी स्किन की टोनिंग हो जाती है, स्किन एक बराबर हो जाती है, चेहरे के दाग धब्बे ठीक हो जाते हैं। अमरूद के बाद अब बात करते हैं नीम की। ताजी नीम की पत्तियों में 2-3 चुटकी आप इसको चेहरे पर लगाएं और उसके बाद आप इसको धो दें। इससे आपकी स्किन की टोनिंग हो जाती है, स्किन एक बराबर हो जाती है, चेहरे के दाग धब्बे ठीक हो जाते हैं। अमरूद के बाद अब बात करते हैं नीम की। ताजी नीम की पत्तियों में 2-3 चुटकी आप हल्दी मिला दीजिए। इसके बाद इसका पेस्ट बना लीजिए। 10 से 15 मिनट तक चेहरे पर लगाएं, ठंडे पानी से धो लें। चेहरे से सारे पिंपल्स धीरे धीरे गायब हो जाएंगे और आप क्या करें, नीम को अपने बालों के लिए इस्तेमाल करें। नीम के पत्ते पानी में तब तक उबालें जब तक ये पूरी तरह से थोड़ा सा ना रह जाए। पानी जब ठंडा हो जाए तो इससे आप अपने बालों को धोएं अच्छे से। इससे आपके बाल साफ हो जाएंगे, डैंड्रफ में आपको निजात मिलेगी, छुटकारा मिलेगा और आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। नीम से याद आया मुझे कि कल मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, आपके बाल बिल्कुल बेजान हैं, तो इनमें जान डालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और साथ में थोड़ी ही देर में आपको चार राशियों को ठीक करने की टिप्स भी दूंगी। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं आपके सेफ तिजोरी की। पैसे को अगर आपको अपनी जिंदगी में बढ़ाना है तो आपको पैसे रखने की जगह अपने घर में जरूर रखनी पड़ेगी। अगर आपका घर इतना बड़ा नहीं है, आपके पास इतनी जगह नहीं है कि आप बड़ा सेफ रख सकें, छोटा सेफ रखिए। आप किसी डिब्बे में ताला मार के रखिए, कोई छोटा सा ट्रंक रखिए। लेकिन जब तक आप पैसे के लिए जगह नहीं बनाएंगे, आपका खजाना कैसे क्रिएट होगा? अगर आपके घर में गेस्ट रूम ही नहीं होगा तो मेहमान आएंगे कहाँ? तो आपको सेफ तो रखना ही पड़ेगा। चाहे आप छोटा रखें, बॉक्स रखें, ट्रंक रखें, जो मर्जी रखें, लेकिन पैसे के लिए एक निश्चित जगह आपके घर में जरूर होनी चाहिए। अब कहाँ रखनी चाहिए, वो निश्चित जगह कहाँ बनानी चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। आपके घर में उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में अगर सेफ होता है तो ये कुबेर का स्थान माना जाता है। यहाँ तिजोरी जो है ये बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन अगर आप नॉर्थ में रख रहे हैं और वो साउथ की तरफ खुल रही है तो पैसा आएगा तो जरूर, लेकिन खर्च भी हो जाएगा। दक्षिण मतलब दक्षिणा, दक्षिण जो शब्द है वो दक्षिणा से जुड़ता है, दक्षिणा यानी कि खर्चना, स्पेंडिंग। तो इसलिए दक्षिण की ओर जब आपकी तिजोरी का मुंह होता है तो पैसा दक्षिणा में खर्चे में निकल जाता है। तो नॉर्थ में सेफ रखते हैं तो टेढ़ा कर दीजिए, वेस्ट या ईस्ट की तरफ खुले।
कुछ ही देर में मैं आपको बाजूबंद के बारे में बताऊंगी। बाजूबंद पहनने से क्या फायदा होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले चार राशियों की बात करते हैं। मेष राशि वाले लोग कल जेब में या पर्स में लाल रुमाल रखें। आपका लकी समय होगा आज शाम 4:58। वृष राशि वाले लोग कल कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और घर निकलने से पहले दही खाकर जाएंगे बिना चीनी के। आपका लकी समय रहेगा कल सुबह 9:00। मिथुन राशि वाले लोग कल अलमारी या पर्स में मोर का पंख रखेंगे और कुछ समय के लिए इसको वहीं पर रखे रहने देंगे। आपका लकी समय होगा कल सुबह 7:14। कर्क राशि वाले लोग कल ग्रीन कलर को अवॉइड करेंगे और अगर हो सके तो कुछ न कुछ चांदी का सिक्का, चांदी की ज्वेलरी साथ में पहनकर या रख कर जाएंगे। लकी समय होगा कल सुबह 8:07। जब आप किसी से बात करते हैं तो उनके चेहरे पे सबसे पहले आपकी नजर उनके होठों पर जाती है, क्योंकि वो बात कर रहे होते हैं। होठों पर मैं आपको इतनी सारी डिफरेंट टिप्स देती ही रहती हूँ, लेकिन आज हम सिर्फ बंद होठों से लोगों के राज जानेंगे थोड़ी ही देर में। लेकिन इससे पहले वास्तु की बात। घर में आपने देखा था ना, पहले जमाने में भी लोग घर के आंगन में तुलसी जरूर उगाते थे। अब आंगन का तो जमाना रहा नहीं, पर तुलसी भी घर में जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि ये आसपास के नेगेटिव एनवायरनमेंट को खत्म करती है। तो तुलसी को आप अपने घर में नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में लगाएं। ये तीन दिशाएं आपको बता दी। छोटे पौधे आप ईस्ट या नॉर्थ में लगा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में आप अवॉइड करें। अगर बहुत बड़ा पौधा है तो अवॉइड करें। बेल वाले पौधे, जो घर में बेल वाले पौधे होते हैं, वो घर की एंट्रेंस या घर के बाहर वरांडे में लगा सकते हैं। ध्यान रहे कि बेल के पत्ते कंपाउंड वॉल के ऊपर में जाएं, नीचे की तरफ ना जाएं। बेल मतलब ग्रोथ। अगर आपकी बेल ऊपर से नीचे तक आती है तो आपकी लाइफ की ग्रोथ भी यूं हो जाएगी। बेल अगर नीचे से ऊपर तक जाती है तो ग्रोथ यूं हो जाएगी, क्योंकि आखिर ही आपकी मेन एंट्रेंस पर जो है। कल है मंगलवार और हम बात करेंगे बजरंग बली की। कैसे ही हमारी जिंदगी के संकट खत्म करते हैं, ये आपको कल बताऊंगी। और चार राशियां भी तो हमारा वेट कर रही हैं, बस आपका इंतजार खत्म ही होने वाला है। पहले हम बात करते हैं आपके होठों की। जब आप किसी के होठ देखते हैं तो चेहरे पर मुस्कान देखते हैं, साथ ही जब आप किसी के होठ देखते हैं तो उसकी बनावट भी देखते हैं। अब थोड़ी सी बात आज बनावट की करते हैं। जिन लोगों के होठ आगे की ओर निकले होते हैं, जिसको हम डोनाल्ड डक लिप्स बोलते हैं, होठ जो यू आगे की तरफ निकले होते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं ये सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं। जितने होंठ बाहर होंगे उतने वो सेल्फ लविंग होंगे। जिन लोगों के दोनों होंठ बराबर होते हैं, यानी कि अपर लिप और नीचे वाला लिप बिल्कुल बराबर होते हैं, ऐसे लोग मुंह में निर्णय लेने की क्षमता जो होती है थोड़ी कम होती है, थोड़ी तकलीफ होती है। ऐसे लोग व्यक्तिगत भी बहुत उदार होते हैं, बहुत जेनरस होते हैं, जिनके दोनों होंठों का साइज बराबर होता है। जिनके होंठ बहुत ज्यादा पतले होते हैं, बिल्कुल थिन लिप्स होते हैं, ऐसे लोग संकोची स्वभाव के होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं। ऐसे लोग अपने दिल की बात नहीं करते। आपको मैं सिंपल सिंपल तरीका बताती हूँ, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। होंठ का पर्पस क्या होता है? होंठ का पर्पस होता है कम्युनिकेट करना, बोलना और खाना। तो जिसका चेहरे के हिसाब से होंठ जितना बड़ा रहेगा वो उतना ज्यादा कम्युनिकेट करेगा। जिसके होंठ छोटे रहेंगे वो इंट्रोवर्ट होगा, कम कम्युनिकेट करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब होठों का दूसरा पर्पस होता है खाने का। तो आप किसी का भी मुंह जब खुलकर, मतलब खुलवा कर देखेंगे, आ करके देखेंगे, तो जितना ज्यादा मुंह ज्यादा खुलेगा उतना ज्यादा इंसान की एपेटाइट, यानी कि बार बार उसको भूख लगेगी, और जितना ज्यादा मुंह कम खुलेगा उतना ज्यादा इंसान अपने एपेटाइट पर, अपनी खुराक पर कंट्रोल रखेगा। आपने सुना था, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि इसका ना मुंह बहुत ज्यादा खुला हुआ है, यानी कि ये इंसान बहुत ज्यादा आर्गुमेंटेटिव है, बहस करने वाला है। आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में बाजूबंद आ गया है। आपने देखा था ना, पुराने जमाने में सब लोग ज्वेलरी के तौर पे बाजूबंद जरूर पहनते थे। क्यों पहनते थे? क्यों अपनी बाजू को फंसा कर रखते थे? आज भी कुछ फीमेल्स पहनती हैं, लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक था और कैसे हम इसे प्रेजेंट डे में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। बाजूबंद अगर आप पहनते हैं तो ये आपके हार्ट, आपके लिवर को स्ट्रेंथ देता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। चांदी का अगर आप बाजूबंद पहनते हैं तो मेंटल फोकस इम्प्रूव होता है, आप बच्चों को पहना सकते हैं। और रुद्राक्ष अगर आप बाजूबंद में लगा लेते हैं, यानी कि टाइट धागा पहन लेते हैं, तो ये आपकी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाता है। तो अब आप समझे कि आप बाजूबंद पहनने से बीमारियों को और अपनी कंसंट्रेशन को, दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। आज मैं आपको बादाम के बारे में बहुत खास जानकारी देने वाली हूँ, बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन उससे पहले हम बीच वाली चार राशियों की बात करते हैं।
सिंह राशि वाले लोग कल घर से निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ खाकर जाएं, दिन बहुत अच्छा रहेगा। आपका लकी टाइम रहेगा कल सुबह 11:39 AM। कन्या राशि वाले लोग कल इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। अगर शेयर्स वगैरह की इन्वेस्टमेंट में करते हैं तो कल अपना हार्ट टाइट रखिएगा, परेशान हो जाएंगे। आपका लकी टाइम रहेगा कल सुबह 7:14। तुला राशि वाले लोग कल किसी बच्चे को कपड़े गिफ्ट करें, किसी जरूरतमंद को कुछ भी कपड़ा गिफ्ट करें, आप एक कैप भी गिफ्ट कर सकते हैं। आपका लकी टाइम रहेगा कल 7:25 सुबह में। वृश्चिक वाली राशि वाले लोग कल कागज पर अपना नाम हरे रंग से लिखकर अपनी जेब में या अपने पर्स में रखें। आपका लकी समय रहेगा कल शाम 5:58। आपको कुछ ही देर में बताने वाली हूँ मोबाइल से जुड़ी कुछ और खास बातें, ताकि आपका मोबाइल हो जाए आपके लिए लकी। क्योंकि सारा कम्युनिकेशन, सारी बातचीत, प्यार मोहब्बत हो, काम काज की हो, किसी भी चीज की हो, मोबाइल पर ही तो होती है, उसको लकी बनाना तो जरूरी है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं बादाम आलमंड्स की। आलमंड्स यानी कि बादाम, इसको जो प्लैनेट रूल करता है वो है मरकरी, बुध। ये आपकी जिंदगी में पैसा और प्रॉस्पेरिटी और बुद्धि दोनों ला सकता है। वैसे भी तो कहते हैं बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। जेब में आलमंड बादाम रखकर चलने से आपको लगातार धन पाने के अवसर अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं। बुखार या इन्फेक्शन के दौरान बादाम भूनकर खाने से हेल्थ बेटर होती है, बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। बादाम के पेड़ पर अगर आप चढ़ते हैं तो इससे आपके बिजनेस और आपके वर्चुज दोनों में सक्सेस मिलती है। जब भी आप हिल स्टेशन जाएं, जरा सा हाथ आजमा लें। बादाम के पेड़ की लकड़ी की अगर आप पत्तियां और लकड़ी साबुत बादाम तिजोरी में रखते हैं, यानी कि एक डंडी जिसमें पत्ती और वो बादाम लगा हो, रखने से आपके यहाँ फाइनेंशियल गेन होता है। आप रोज ब्रश करते हैं सुबह उठते ही, अगर ये ब्रश एक खास कलर का हो तो आपके लिए कितना लकी हो सकता है ये आपने कभी सोचा भी नहीं। कैसे बनाएंगे इसको लकी, थोड़ी ही देर में बताऊंगी, लेकिन पहले आपके मोबाइल की बात करते हैं। मोबाइल नंबर आपके लिए कैसे लकी बन सकता है, पहले मैं आपको समझाती हूँ और फिर बताती हूँ। मोबाइल में कुछ नंबर ऐड कर, आपका मोबाइल नंबर जो है इसमें कुछ नंबर ऐड कर आप अपने प्रोफेशन को और भी ज्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं, क्योंकि वैसे ही तो लोग आपका नंबर सेव करते हैं। अगर आप टीचर हैं तो आपको अपने मोबाइल में 3 और 9 अंक को जोड़ना चाहिए, इससे आपके काम में आपको ज्यादा सफलता मिलती है। अगर आपके मोबाइल में एक नंबर ज्यादा है, सिंगल वन नंबर, वन डिजिट, वन ज्यादा है, तो ये आपके फ्लो ऑफ थॉट्स को और ज्यादा गहराने लगता है। आपके माइंड में, आपके आइडियाज में क्लैरिटी आती है और आप अच्छे लीडर बनते हैं। अगर आपके मोबाइल में नंबर 3 बार बार आता है तो आप कम्युनिकेशन, वोकल, आप अच्छी टीचिंग, अच्छी वक्ता हो सकते हैं। आपको ज्यादा अच्छे संबंध थ्रू कम्युनिकेशन मिलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप स्पीकिंग या टीचिंग फील्ड में और आपके मोबाइल में 9 नंबर बार बार आता है तो ये आपको भरपूर एनर्जी देता है। आप अपनी बात को कहने का पूरा हौसला रखते हैं और हर तरह की सिचुएशन को, खास तौर पे टीचिंग प्रोफेशन में है तो बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल काम है, आप में उतनी एनर्जी आती है कि आप सबसे लीडरशिप के साथ संबंध बना पाते हैं। इसी तरीके से हम डॉक्टर्स की बात करते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं, अपने मोबाइल में 4, 6, 7 इन डिजिट्स को ज्यादा से ज्यादा जोड़ें। 4 अगर आप ज्यादा से ज्यादा जोड़ेंगे तो आप अपने एफर्ट्स के साथ टेक्निकल नॉलेज में, जो टेक्निकल चीज है, जैसे सर्जन को टेक्निकलिटी की जरूरत है, उसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। नंबर 6 अगर आप ज्यादा जोड़ते हैं तो आप ज्यादा जिम्मेदार हो जाते हैं और आपके अंदर हीलिंग पावर आ जाती है, यानी कि आप जिसको जो दवाई लिखते हैं उसको काम करने लग जाती है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आप डॉक्टर हैं, आप अपने मोबाइल में ज्यादा से ज्यादा नंबर 7 जोड़ते हैं तो ये आपको लकी बनाता है। लोग आपसे एडिक्टिव हो जाते हैं, आप ही के पास आना चाहते हैं और दुनिया में आप गहरी खोज करने के लिए जाने जाते हैं। आप रिसर्च में और ज्यादा नाम कमाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स आपके रिसर्च में सक्सेसफुल होते हैं। आज मंडे है और मैं शिवजी की बात ना करूं, ये कैसे हो सकता है? शिवजी कैसे आपकी मदद कर सकते हैं और मांगलिक फीमेल जो है उनके लिए खास जानकारी आपको आगे देने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे आपको और भी बहुत ढेर सारी बातें बतानी है। आपके टूथब्रश की बात बतानी है और बहुत सारी और जानकारी आपको देनी है। टूथब्रश ऐसी चीज है जिसको सुबह सुबह आप अपने चेहरे, अपने हाथ और अपने फेस पर, अपने माउथ में यूज करते हैं। ब्लू टूथब्रश अगर रखते हैं तो संतोष और शांति आपको मिलेगी। ब्राउन टूथब्रश अगर आप रखते हैं तो धन, सक्सेस और रिलेशनशिप्स आपके मजबूत होंगे।
ग्रीन टूथब्रश रखते हैं तो जो प्रोजेक्ट आपकी लाइफ में चल रहा है उसमें सक्सेस मिलेगी। पर्पल टूथब्रश रखते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, और अगर आप येलो टूथब्रश रखते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए, टूथब्रश की बात तो आपको समझ आ ही गई कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए और अब किस रंग का टूथब्रश खरीदेंगे आप। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ एक ऐसी मुद्रा जो आपकी प्रॉब्लम्स को भी खत्म कर सकती है। इस मुद्रा को कहेंगे जॉइंट मुद्रा। इसके लिए आपको क्या करना है कि दायां हाथ उसका अंगूठा और अनामिका रिंग को दोनों को जोड़ लेना है। इसके बाद अंगूठा जो है उसको मध्यम यानी कि मिडिल फिंगर से भी जोड़ेंगे। इसे कर आपको बची हुई बाकी सारी उंगलियों को सीधा रखना है। ये मुद्रा आपके जॉइंट्स को, आपके जोड़ों को, घुटने के, बाजुओं के जोड़ों को एनर्जी देती है, जुकाम, जलन, दर्द और साथ साथ बेचैनी को भी कम करती है। इस मुद्रा को आपको दिन में 5 बार 15-15 मिनट के लिए, 3 बार भी कर सकते हैं बट आगे जाकर 5 बार आपका टारगेट होना चाहिए, 15-15 मिनट के लिए करेंगे तो आपको जोड़ों की दर्द की जो परेशानी है उसमें बहुत राहत मिलेगी। और अगर कोई परेशानी नहीं भी चल रही है तो इस मुद्रा को आप कर सकते हैं, इससे आपकी इम्यूनिटी उन चीजों को लेकर स्ट्रांग बनेगी। चलिए, आपको एक और खास जानकारी देने को आज मन कर रहा है। आपको कुछ सपनों की बात बताती हूँ। सपनों में अगर आप चींटियां आपको दिखाई देती है तो बिजनेस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने के चांसेस हैं। अगर आप सपने में मधुमक्खियां देखते हैं तो आपको सपने में, इसका मतलब, ये कहने का मतलब आ रहा है कि आपकी सोशल लाइफ और आपकी लव लाइफ में आपको सक्सेस मिलने वाली है, कामयाबी मिलने वाली है ना। दोनों चीजें देखना कितना अच्छा शगन। आज आपको सुगंध से जुड़ी एक खास ब्यूटी टिप देने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले शिवजी और मांगलिक कन्याओं की बात करते हैं। शिवजी की पूजा करने से आपको क्या लाभ मिलता है ये मैं आपको बताती हूँ। आप सुगंधित तेल से शिवजी की अगर अभिषेक करते हैं यानी कि उन पर हल्का सुगंधित तेल लगाते हैं तो आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि बढ़ती है। शहद अगर आप थोड़ा सा शिवजी पर लगाते हैं, यानी कि आप पूरी बोतल ही डाल दें, किसी जरूरतमंद को दे दें, 1-2 ड्रॉप शिवजी पर लगाने पर वो ज्यादा खुश होंगे। तो थोड़ा सा शिवजी पर आप हनी लगाकर उसको किसी जरूरतमंद को देते हैं तो आपको फाइनेंशियल चीजें, जो आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है उसकी दिक्कतें दूर होती हैं, और अगर ऐसी दिक्कत नहीं है तो ये दिक्कतें आने से भी आपसे दूर हो जाती हैं। गन्ने का रस अगर आप थोड़ा सा शिवजी पर चढ़ाते हैं और बाकी किसी जरूरतमंद को देते हैं तो आपके घर के फैमिली रिलेशंस जो हैं आपस में वो अच्छे होते हैं, घर में खुशियां बढ़ती हैं। शिवजी को अगर आप गंगा जल जरा सा चढ़ाते हैं तो इससे आपको मोक्ष यानी कि स्पिरिचुअली आप और ज्यादा जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। शिवजी से मुझे याद आया कि शिवजी की सबसे ज्यादा भक्त फीमेल्स होती हैं, तो शिवजी आपकी प्रॉब्लम दूर ना करें ये कैसे हो सकता है। अगर आप मांगलिक हैं, आपकी शादी में दिक्कत आ रही है तो आप ये यंत्र खुद बनाएं। आपको मैं यंत्र खुद बनाने को क्यों बोल रही हूं, मुझे याद आया कि शिवजी की सबसे ज्यादा भक्त फीमेल्स होती हैं, तो शिवजी आपकी प्रॉब्लम दूर ना करें ये कैसे हो सकता है। अगर आप मांगलिक हैं, आपकी शादी में दिक्कत आ रही है तो आप ये यंत्र खुद बनाएं। आपको मैं यंत्र खुद बनाने को क्यों बोलती हूँ, इसलिए बोलती हूँ कि जब आपको चोट लगी होती है और उस पर आप दवाई खुद लगाते हैं तो संभल के लगाते हैं, कोई दूसरा दवाई लगाएगा तो रफ होकर लगाएगा, इसलिए परेशानी आपकी है, हल भी आप ही को करना पड़ेगा। तो क्या करना है कि यंत्र के लिए सफेद कागज पर लाल पेन से आपको ये यंत्र बनाना है। इस यंत्र को आपने गुलाब और चावल चढ़ाने हैं, धूप दीप से इसकी पूजा करनी है। अब इसकी और जानकारी लीजिए, 72 दिन में आपको लगातार 72 यंत्र बनाने हैं, फिर ये सारे एक डिब्बे में एक के ऊपर एक रखते जाने हैं, डेली नया बनाना है, पुराना एक के ऊपर एक रखते जाना है। 75वें दिन आपको ये सारे यंत्र पानी में मसल कर बहते पानी में बहा देने हैं, और उस दिन आपको कम से कम 3 मजदूर लोगों को अच्छे से खाना खिलाना है। ईश्वर आपके शादी का योग जरूर खोलेगा। लास्ट की 4 राशियां और एक महा उपाय बहुत ही जबरदस्त आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन उससे पहले ब्यूटी टिप्स की बात करते हैं। इतिहास इस चीज का गवाह है कि राजा महाराजा जो थे वो नेचुरल ब्यूटी की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। आप कैसे वैसे वो नेचुरल ब्यूटी पा सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। आपको अपने चेहरे पर जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उसमें एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल जरूर करना है। जैसे एक एसेंशियल ऑयल होता है थाइम, आप ये नाम नोट कर लें, और आपके आसपास जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स रखते हैं, क्रीम वगैरह रखते हैं, वहाँ पे ये इत्र एसेंशियल ऑयल्स आराम से मिलते हैं, लेकिन आपको नाम पता होना चाहिए। जैसे कुसुम, अलग अलग तेलों के एसेंशियल ऑयल आते हैं, कपूर का एसेंशियल ऑयल आता है, इसको अगर आप अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो सलोनी हो जाती है, दिन भर आप महकते हैं, आप तरोताजा महसूस करते हैं।
आपके लिए मैं इतना खास महा उपाय लाई हूँ जो कि आपकी जिंदगी में फेलियर्स को दूर करके आपको सक्सेसफुल बनाता है, काम की रुकावटों को दूर करता है। थोड़ी देर में बताने वाली हूँ, पहले लास्ट चार राशियों की बात करते हैं। धनु राशि वाले लोग कल कुछ नया ना खरीदें और अगर खरीदना पड़े तो जेब में एक हल्दी की गांठ रख लें। आपका लकी समय रहेगा आज शाम 4:05। मकर राशि वाले लोग कल व्हाइट खाने की पीने की चीज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर दें, आपका काम बनेगा। आपका लकी समय रहेगा कल सुबह 9 बजे। कुंभ राशि के लोग कल कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में ना सोचे और एक खास काम करें कि आप एक मटका पानी से भरकर अपने घर में पश्चिम वेस्ट डायरेक्शन में कल रख जाएं। कोई तो कोई लोटा आपके घर जरूर होगा, कोई भी रख जाएं, आपका काम बनेगा। आपका लकी समय रहेगा कल सुबह 9:35। मीन राशि वाले लोग कल आप लोग सफेद रंग के कपड़े किसी न किसी तरीके से पहने और भी अगर अच्छा करना है तो सिल्वर कलर का कुछ पहने या जेब में रखें। आपका लकी समय रहेगा शाम को 5:05। आपको एक खास महा उपाय बताने वाली हूँ जो आपके बिगड़े चीजों को बनाएगा, लेकिन उससे पहले वो तरीका जानते हैं जिससे आप और हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए जो है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी परेशानी हमें इस पर लिखकर भेजिए और साथ में अगर आप अपनी बर्थ डिटेल्स के साथ साथ अपना फोटोग्राफ, अपने हाथ की फोटो और अपनी हैंडराइटिंग की फोटो देते हैं तो हम और एक्यूरेटली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। आज हम प्रियंका टक का सवाल लेते हैं, अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हैं। हस्बैंड की लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, बार बार जॉब चेंज करनी पड़ती है और गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिल रही है। प्रियंका से बात करते हैं। प्रियंका, आप अपने घर में उत्तर दिशा में नॉर्थ डायरेक्शन में एक श्री यंत्र लगा दें, सिल्वर का स्क्वायर रंग का होना चाहिए, और साथ में अपने हस्बैंड को बोलें कि अपने पॉकेट में बगलामुखी यंत्र, ये दोनों चीजें बाजार में इजीली अवेलेबल होती है, रखें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बात करते हैं तीसरे महा उपाय की। अगर आपके काम में रुकावटें आती हैं तो उसमें सफलता के लिए क्या करें? किसी शुक्रवार को सुबह घर की पश्चिम दिशा में सफेद कपड़े में आपको चावल बांधकर लटका देने हैं। चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए और जब तक आपको उस काम में सफलता ना मिले वो चावल लटके रहने दें, आपका काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि महीने बीतने पर पुराने चावल की जगह नए चावल डालना ना भूलें और पुराने चावल को या बहते हुए पानी में डाल दें या चौराहे पर रखाएं। और चावल सफल होने के बाद आप वो चावल जो है वो उतार कर, जैसे मैंने आपको कहा, फिर से बहते पानी में या चौराहे पर रखाएं। कल है मंगलवार तो कल मैं आपको बताऊंगी बजरंग बली की कुछ खास उपाय। आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपके बाल गिरते हैं तो आप क्या करें, हिचकियां अननेसेसरी आती हैं तो उसको कैसे दूर करें, और आपके लिए तीन बहुत अचूक महा उपाय, और साथ में आपके अगले दिन को लकी बनाने के लिए तो मैं रोज इन्फॉर्मेशन आपको देती ही हूँ। इस इन्फॉर्मेशन के लिए आपको समय पर आना पड़ेगा, नहीं तो महा उपाय मिस हो जाएंगे। और कल इसी समय मैं आपका फिर इंतजार करूंगी। जो उपाय बता रहे हैं इनको किया जरूर कीजिए, तभी इनका रिजल्ट मिलेगा। अपना ध्यान भी रखिए। बाय बाय, टेक केयर।